सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल सविता के इसमें फिर से स्वागत है। एक्चुअली आज का ये जो ब्लॉग है डेली ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। एक्चुअली वैसे तो मैं डेली ब्लॉग शूट करती नहीं हूँ, आज थोड़ा सा मन किया आप लोगों के साथ में मेरा डेली लाइफ शेयर करने का। तो मैं सुबह से ही सोच रही थी शूट करूँ ना करूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी नहीं। तो फाइनली मैं सोची कि मैं नहीं, चलो आज एक्चुअली संडे है। संडे देव के पापा घर में रहते हैं, उनका छुट्टी रहता है, तो स्पेशल मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। तो मैं सोची कि आज का डेली लाइफ जो है मेरा मैं शूट करती हूँ। तो मैं एक्चुअली सुबह से स्टार्ट नहीं की हूँ, ये जो शूट मैं कर रही हूँ एक्चुअली दोपहर से कर रही हूँ। दोपहर सुबह से मेरा जो है सारा काम खत्म हो चुका है मेरा। खाना वाना ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो मैं और क्या शूट करूँ मैं सोची। उसके बाद में मैं सोची नहीं, चलिए अभी लंच से ही मैं आप लोग के साथ में सारा कुछ शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग को जाके वहां पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं आज प्रॉन करी बनाई हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर देव को खाना वाना खिला के सुला दी हूँ, उसके बाद में सो गया। फिर हम लोग दोनों मिलके लंच किए, और हम लोग खाना वाना खाने के बाद में थोड़ा सा मैं अपना घर का काम समेटने के बाद में हम लोग थोड़ा निकल जाएंगे बाहर में। फ्रेंड्स हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, अभी निकल रहे हैं बाहर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं देव को लेके बाहर जा रही हूँ, तो मैं एक्चुअली सैलून ही आई हूँ। देव का बहुत दिन हो गया हेयर कट नहीं करवाई थी, तो उसका हेयर जो है बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो मैं यहाँ पर देव के पापा के साथ में आई हूँ हेयर कट करने के लिए, और यहाँ पर देव का हेयर कट स्टार्ट भी हो चुका है, और बीच बीच में राइम्स भी देख रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनस्टेबल हो जाते हैं हेयर कट करने का टाइम में। लेकिन मेरा देव बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करता है हर चीज़ में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसका कटिंग बहुत ही स्मूथली हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, मैं सैलून गई थी मेरा बेटा को लेके, और फाइनली मैं अभी मेरा फ्रेंड का घर में आके पहुंची हूँ। आप लोग मेरा फ्रेंड को तो देखे ही होंगे, मैं कितना सारा वीडियो इसके साथ में मैं बनाई हूँ। मेरा खास दोस्त है जिसका नाम है विलास। तो इवनिंग का टाइम है, हम लोग आए हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, मैं आप लोग को उन लोग का खेलने का जो वीडियो है शेयर कर रही हूँ। और अभी चाय पानी हम लोग पियेंगे और थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद में जाएंगे हम लोग घर। सब कोई थोड़ा मेरा फ्रेंड लोग को हाय बोल दीजिए। हाय हाय सोनिया बोलो। हाय आप बोलिए मैडम। सबको बोलना पड़ता है बारी बारी करके, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स आप लोग तो देखे कि देव का मैं हेयर कट करवाने के लिए लाई हूँ। तो पास ही में मेरा फ्रेंड का घर है, मैं वहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखिए देव और बिट्टू जो है दोनों मिलके कितना अच्छे से खेल रहे हैं। एक्चुअली बच्चे बच्चों को ही ढूंढते हैं, तो यहाँ पर दोनों का खेल शुरू हो गया है। Thank you.
तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं देव को। हम लोग जैसे ही घर वापस आए हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पर आलू और प्याज के साथ में देव कैसे खेल रहा है, चारों तरफ फेंक के रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँ, अक्सर वो हमेशा ही ऐसे करते रहता है मेरा काम। देखिए हेलो बोल रहा है ना, और यहाँ जो है मेरा काम वो अक्सर मेरा बढ़ाते रहता है। ऐसे ही घर में मैं अकेले रहती हूँ और मेरा काम जो है डबल कर देता है। क्या करें, छोटा बच्चा है, उसको तो गुस्सा करने से भी नहीं चलेगा, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ देव के लिए रात का जो है खाना, यानी कि मैं उसके लिए खिचड़ी ही बना रही हूँ। थोड़ा सा खिचड़ी खाना देव को पसंद है, तो मैं उसको भी खिचड़ी बना के खिलाऊँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ और कुछ आगे का। डिनर के लिए मैंने यहाँ पर दिन का जो बचा हुआ था ब्राउन करी, उसके साथ में रोटी मैंने यहाँ पर लिया है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आज का जो ये ब्लॉग है इसको मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो डिनर है वो ख़त्म हो चुका है और देव का भी खाना वाना हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का ये छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं और एक प्यारा वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स।